कोरोना महामारी का आतंक देश भर में बदस्तूर जारी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े भयानक तस्वीर का मंजर दिखा रहे हैं। दूसरी ओर इस महामारी ने सभी रिश्तेदारों को अपनों से दूर कर दिया है, या यूं कहे तो शायद गलत नहीं होगा कि कोरोना काल ने रिश्ते नातों को भी समाप्त कर दिया है। आलम ये हो गया है कि कोरोना से मौत के बाद भी पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी शव के दाह संस्कार में शामिल या कंधा देने तक को तैयार नहीं। हर कोई शव के अंतिम संस्कार के लिए अपना पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस के अपने नारे को दिल्ली पुलिस सार्थक करती दिख रही है। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के प्रशांत विहार थाना इलाके में सामने आया है, जहां प्रशांत विहार थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने पुलिस टीम के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शव को घर से शमशान तक पहुंचाकर अंतिम संस्कार करवाया। ये पूरा वाक्या दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 स्थित एक पॉश सोसाइटी में सामने आया है, जहां एक परिवार के मुखिया सहित घर के अन्य सदस्य भी कोविड पॉजिटिव हो गए। सभी लोग होम आइसोलेशन पर हैं। इस बीच रविवार को परिवार के मुखिया की मौत हो गई, जिसके बाद पड़ोसी ने भी इस परिवार से दूरी बना ली। ऐसे में शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि लोग इतने भयभीत हो गए कि घर के पास भी जाने को तैयार नहीं थे। सोसाइटी के भी किसी शख्स ने प्रशांत विहार थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। प्रशांत विहार थाना SHO प्रवीण कुमार ने अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस व बॉडी पैकर का बंदोबस्त किया। पुलिस ने एम्बुलेंस कर्मचारियों की मदद से शव को बाहर निकाला और शमशान तक पहुंचाया और साथ ही शव का अंतिम संस्कार भी करवाया, जिसके बाद मृतक के परिजन पुलिस वालों का दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।